शुरू हुई है हमें छुरी हुई है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। हम आप कहाँ से आए हैं समर्थन में तेज बहादुर जी के लिए? मैं गुजरात से आया हूँ। गुजरात से आए आप यहाँ पे, और मोदी जी भी गुजरात से आए हैं? गुजरात से आया हूँ और बीजेपी में था, आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और जो ये देश में पहला ऐसा आदमी है जो ने जिसने अन्याय के खिलाफ पूरी ताकत से जो आवाज उठाई उसका नाम है तेज बहादुर। तो हमने सोचा इस देश को जो अन्याय कर रहा है, जो लूट रहा है, उनका नाम है मोदी। जो चाहे हमारे गुजरात से क्यों ना हो, लेकिन ये गुजरात का जो 2002 में गोधरा कांड हुआ था उसका मैं मोदी जी के साथ साक्षी हूँ। और जो बच्चे मारे गए थे वो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं थे, छोटे छोटे 51 लड़के को एक डब्बे में डाल के ये नरेंद्र मोदी और गोवर्धन झड़फिया जहाँ का गृह प्रधान था वो दोनों ने मिलके हिंदू सम्राट बनने के लिए जला दिए थे। किसी हमें खुद कार सेवक के रूप में अयोध्या से वापिस आ गया था, लेकिन हमारे घर में वो दहसा बोलते हैं ना कांड, हम गुजरात में बोलते हैं जैसे रोक अकड़ होती है, मैयत हो जाती है, बाद में सब समाज को सब समाज को पता चलता है कि यहाँ का कोई मृत्यु हो गई है। तो वहीं से लेके आज तक मोदी झूठ के सहारे ही जीता है। आज उसने पूरा लोकतंत्र का गला घोड़ दिया है, ये उनकी हार बोल रही है। वो खुद बौखला गया है, इतना डर गया है, रात में सपने में भी उसको तेज बहादुर दिख रहा है, वो हारा हुआ दिखता है, इतना डर गया है। और हम ये पूरे हिंदुस्तान में से मोदी को हटाने के लिए, तेज बहादुर के साथ रहने के लिए, सत्य के साथ रहने के लिए, ऐसा नहीं है जो भी इस देश में जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा, मैं हिंदू हूँ, हिंदू के नाच से कहता हूँ, इस देश में हूँ, भारतीय हूँ, ये सभी भारतीय हिंदू हो मुस्लिम हो जो भी हो, लेकिन इस देश के लिए जो खड़ा होता है उनके लिए, मेरा नाम है लाल भाई बहादुर, मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा, उनके लिए लड़ूंगा, अपने लिए नहीं, इस देश को बचाने के लिए। और ये मोदी जैसे आदमी से तो इस देश को बसाना है, बचाना है और बचाना है भाई साहब। तो आप देख सकते हैं जो तेज बहादुर जी के समय